हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब लोग भी यहाँ पे एकदम से स्वस्थ हैं। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर पे, तो आपको बताएंगे आगे कि हम क्यों जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहेगा हमारे साथ। बहुत जल्दी जल्दी अब हम सब रेडी हुए हैं, बस अब चलते हैं। गाइस, हम निकल लिए हैं मम्मी के घर पे जाने के लिए। अचानक पता नहीं क्या ऐसा क्या है कि वहाँ पे उन लोगों ने हमें अचानक से बुलाया है। तो घर पे जो भी हमारा काम था, क्योंकि कल प्रियांशी को जाना है माता वैष्णो देवी बन के स्कूल में, तो उनकी हम सारी तैयारी घर करके आ चुके हैं, क्योंकि फिर हम लेट हो जाएंगे वहाँ से आने में। तो इसलिए अब अपना सारा काम करके हम निकल लिए हैं और यहाँ पे भी दोनों बच्चे हैं और आपको भी पता चलेगा घर जाके, और हमको भी घर जाके ही पता चलेगा। आपको भी बताएंगे ऐसा क्या काम है जो कि हमें एक साथ ही जाना पड़ रहा है घर पे। तो बने रहिएगा गाइस, यहाँ पे प्रियांशी और आर्यन दोनों बैठे हुए हैं। आपके लिए सरप्राइज है गाइस, और हमारे और आपके लिए भी सरप्राइज है गाइस, और हमारे लिए भी सरप्राइज है। तो आप ही देखिएगा आपकी क्या सरप्राइज होने वाला है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। क्यों भाई, और बच्चों के लिए भी क्या है सरप्राइज। A few moments later. तो गाइस, अब हम आ चुके हैं घर पे और गेट भी खुल चुका है हमारा। ये हमारे भाई साहब गेट खोल रहे हैं, दूसरा भी खोल भाई। उधर है कोई, सीनू दिखे, बोल दिया। हाँ बेटा, कपड़े बांध दो, कपड़े बांध दो। ओके, पता है भाई सीनू ना आई अभी, कहीं भी नहीं थी वो, तो हमें मिली नहीं रास्ते में। अच्छा, खुरजा गए। तो गाइस, हम आए थे अभी यहाँ घेर में, मम्मी दूध निकाल रही थी और ये आ चुकी है आप सबके लिए भी सरप्राइज और हमारे लिए भी सरप्राइज। ये है हमारा भाई जो कि लेकर आया है थार। ये आइए यहाँ पे, न्यू थार। और आ जाओ, है रोक ले, है अरे है रोक। मम्मी बोली, ओ मम्मी का वेट कर, मम्मी दूध निकाल रही है अभी। ये आ गए हैं दरोगा जी थार लेके। गोल्डी, थार के लिए थार लेके आओ। एक एक्स्ट्रा टायर इसमें लगा है। हाँ, एक एक्स्ट्रा मतलब इसमें पांच है भाई। हाँ, पीछे लग रहा होगा ना। चलते तो बेटा, चाह रही है, मामा जी ना आए अभी। थाली लिया, नारियल लिया, जीजू बुला ले अपने। ये तो छोटी है, बड़ी है करता है। हमारी बड़ी है तो छोटी ना। ना के देख। लाओ गाड़ी तभी। यहाँ पे आ चुके हैं सब लोग। ये है हमारी चाची और मम्मी आई हैं दूध निकाल के अभी। और ये आ चुकी है यहाँ पे थाली, अब इसकी पूजा होगी यहाँ पे। भाई गलत बात है, ठीक है तब मैं छोटी हूँ। कौन सी तुम, ये वाले कौन सा बना दरवाजा पीछे से? पीछे से ये चालू है? हाँ चालू है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसमें अंदर को निकाल दो, अंदर को। अरे ये दोनों हो जाएंगे ना।
पीछे ही रहो बेटा, ध्यान से। हेलो, हाँ भाई नमस्ते। ठीक है मैं देख लूँ, आ गया तुम्हारे पापा का फोन। ठीक है लिख के भेज सकता है, मैसेज करके डाल दो। ठीक ठीक गाइज, हम बैठे हुए हैं अब इस टाइम थार में, यहाँ पे बैक करके ही लगा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें बैठ के कैसा फील हो रहा है, कितना इसमें स्पेस है, जो भी है सारी चीजें। भाई आ गए, कैसा लगा जी आपको इसमें बैठ के? बढ़िया। उस गाड़ी से इसमें क्या फर्क लगा? ऊंची गाड़ी है। ऊंची गाड़ी है। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे आया है कुछ टेंट का सामान, अब यहाँ पे होने वाला है कीर्तन, तो वही कीर्तन की तैयारी चल रही है। और यहाँ आ चुके हैं हमारे मामा जी और ये है यशी। अभी लाइट जलाते हैं, लाइट कम है, एक तो भिनके काफी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही है हमारी कीर्तन की तैयारी और यहाँ पे स्टेज लग चुकी है, ये हमने अभी की थी। यहाँ पे लाइट थोड़ा नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ पे काफी भिनके आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं काफी। यहाँ से इतनी दूर है लाइट, वहाँ पे इतने सारे भिनके हैं बहुत। हाँ बेटा ऊंचा तुम लटक रहा हो इससे, वो एक और लेने गया है सैंडल जहाँ तुमने निकाले होंगे। और यहाँ पे ये साउंड की सेटिंग हो रही है। Yeah.
सामान है उन सबके लिए है, पूरा श्रृंगार का सामान पैक हो चुका है, बस अभी नहीं पैक करना जल्दी से। Guys, अब हम आ गए हैं घर से। कीर्तन तो अभी वहाँ पे चल रहा था क्योंकि टाइम हमें काफी हो रहा था, क्योंकि हमें वापस भी आना था। तो अब बज रहे हैं 10:30 और हम घर से निकल चुके हैं और पहुँचते हैं अब जल्दी से बुढ़ाई शहर, और क्योंकि बच्चों को भी सुबह स्कूल जाना था तो इसलिए हम शाम ही गए थे और अब आ गए हैं 10:30 बजे। और गाइज आपको भी सब सरप्राइज मिला, और देखो हमें भी सरप्राइज मिला, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और घर पे कीर्तन भी था, हमें कुछ पता नहीं था, और गाड़ी भी आई थी, भाई गाड़ी लेकर आया था और सब काफ़ी खुश थे और काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे प्रोग्राम। और यहाँ पे अभी ये बच्चे दोनों जगे हुए हैं, ये है आर्यन और पीछे है प्रियांशी, और पहुँचते हैं घर जल्दी से। अब गाइस काफ़ी रात हो चुकी है, देखिए गाइस काफ़ी रात हो चुकी है क्योंकि इस टाइम तो गाड़ियाँ भी कम होती हैं। हम जल्दी से पहुँच जाएंगे घर पे, 20 मिनट ही लगेंगे, जो कि दिन में हमें आध घंटा लग जाता है, आध पौन घंटा लग जाता है, और हम 20 मिनट में जल्दी से घर पहुँचते हैं क्योंकि रोड एकदम बिल्कुल क्लीन है, कोई भी नहीं है, एक आधी गाड़ी निकल रही है। गाइस अब हम आ चुके हैं घर, तो अब बज रहे हैं रात के 11, तो अभी पापा अब आपको पता चल गया होगा कि हम नानी के यहाँ क्यों गए थे। हम वेट कर रहे हैं अम्मा का गेट खोलने का, अम्मा गेट खोलेंगी तो, और यहाँ पे प्रियांशी वेट कर रहे हैं मम्मा के गेट खोलने का। और प्रियांशी के हाथों में लगी हुई है मेहंदी, क्यों प्रियांशी? प्रियांशी घर से मेहंदी लगा के आई है क्योंकि कल प्रोग्राम है, इसलिए इनको मेहंदी लगाने के लिए बोला था मैम ने। आज मम्मा कह रही है गेट से बाहर रहो, मत आओ अंदर, तोड़ दूंगा। पीछे हटो, पीछे आ गई मम्मा? नहीं आई अभी, अभी ना आई, मैंने देखा बोल दिया। मैं मारूंगी, क्या हुआ? मम्मा सो गई थी बेटा, ओ तो हमको 5 मिनट हो गए, कई बार बेल बजा दी मम्मा, कुंदा भी बजा दिया, बेल भी बजाई है, मिनकी मम्मा सो गई होंगी। The next day. Hello guys, good morning. कैसे हैं आप सब? तो देखिए आर्यन अभी सो रहा है, स्कूल का टाइम होने वाला है, 7 बज रहे हैं। आर्यन उठो 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 जल्दी। और आज सप्तमी है, यहाँ प्रियांशी स्कूल में इनका प्रोग्राम है, तो माता रानी बन के जा रही हैं, तो ये तैयार हो रही है। आज इनका भी प्रोग्राम था, इनको राम बन के जाना था लेकिन लेट बताया मैम ने, तो इनकी ड्रेस नहीं आ पाई इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो प्रियांशी तैयार हो रही है, माता हमारे तैयार हो रही हैं। हेलो छोटी माता, अरे मैं हंसी कहाँ दिला रहा हूँ, तो मैंने हंसने वाले तो जोक नहीं मारा, मैं तो बता रहा हूँ। और आर्यन बीटी आया है, तो गाइस अभी ये बच्चे तैयार होके स्कूल जाएंगे। हेलो प्रियांशी, गुड मॉर्निंग। देखो पापा की तरफ क्यों नहीं देख रहे
तो अब प्रियांशी के छोटे छोटे बाल बड़े होने वाले हैं। वाह, काश हमारे भी इतने बड़े हो जाएं। हैं प्रियांशी, तुम्हारे तो बाल बड़े होने वाले हैं भाई। ये कब की रखी है इसकी बीग और कब काम आ? अरे बहुत पहले ही रखी है। तो जल्दी से माता रानी तैयार हो रही हैं क्योंकि हमें जल्दी स्कूल जाना है, टाइम होने वाला है। लेट जाना कोई जरूरी नहीं है। लेट नहीं होंगे, बस तैयार होके अब चल रही है। प्रियांशी के प्रोग्राम की वजह से रात को ही हमें आना पड़ा था गांव से। अगर प्रियांशी प्रोग्राम नहीं होता तो हम अब सुबह आते। हाँ मतलब सुबह सही 8-9 बजे तक आराम से। तो गैस प्रियांशी अभी रेडी हो रही है और जब रेडी हो जाएगी तो फाइनल लुक दिखाएंगे। प्रियांशी कैसी लग रही है माता रानी बन के? काला टीका लगा तो क्यों लगन रही है? ज्यादा खुद खुश हो रही है पीछे देख देख के, इसलिए मैं वहां पे ड्रेस पे लेके नहीं बैठी। सुर भाई रुक रहा है। तो हमारी माता रानी तैयार हो गई हैं, नाश्ता कर रही हैं। जय माता दी। आर्यन तुम क्या कर रहे हो? आर्यन जल्दी नाश्ता कर लो बेटा। और छींक मार दी भाई इसने तो सोए सुबह। तो हमारी माता रानी जा चुकी हैं स्कूल। A few hours later. तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा। आज है सप्तमी, तो आप सभी को सप्तमी की हार्दिक शुभकामना। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो गाइज मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।